तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि देख पा रही है, होंडाई की ग्रैंड आई टेन है, 2021 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो फाइनली आप यहां पे, सबसे पहली बात यह है कि अपोजिट साइड स्टेयरिंग देख पा रहे हैं, जो कि लेफ़्ट साइड रहता है, लेकिन बट यहां राइट साइड स्टेयरिंग है, क्योंकि ये मैं फाइनली सऊदी अरब आ चुका हूँ और ये सऊदी अरब की कार का ये दिखा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका एयरबैग पूरा दोनों ये ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड निकल चुका है। तो इसके लिए मेरे को डैशबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना डैशबोर्ड के अंदर रहता है, तो ये डैशबोर्ड को तोड़ के बाहर निकलता है। ग्लास भी देख पा रहे हैं, फूट गया है, तो इस वजह से इसका डैशबोर्ड चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये सब चीज़ें खोल रहा हूँ, इसका ये आगे का ड्राइवर साइड का एयरबैग खोलता हूँ, खोल के स्टेयरिंग वगैरह बाहर निकाल के फिर ये सब कुछ मैं खोल के फिर छुट्टा करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो आप मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर खोलने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली खोलने के लिए इसको एलिंकी दिया हुआ रहेगा, देख पा रहे हैं ये वाली एलिंकी, एक एलिंकी इधर है एयरबैग को निकालने के लिए, और एक एलिंकी इधर है, दो एलिंकी दिया है। तो दो एलिंकी खोलता हूँ, फिर खोलने के बाद ये एयरबैग को बाहर निकालता हूँ मैं। तो 30 नंबर की एलिंकी थी, दोनों साइड से खोल दिया हूँ दोनों एलिंकी, अब ये बाहर इसलिए निकल जाएगा। एयरबैग की सॉकेट ये देखो मेल्ट हो गया, ये पूरा जल गया है, ये वाली सॉकेट निकालता हूँ मैं। निकालने के बाद स्टेयरिंग खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसमें एक लॉक देख पा रहे हैं आप, ये वाला स्प्रिंग से दबा हुआ रहता है, तो जब आप खोलेंगे इसको तो इसको ऊपर लेना पड़ेगा आपको, तभी ये लॉक निकलेगा। ये जो रेड कलर की दिख रहा है आपको, रेड तो नहीं, येलो कलर येलो टाइप की, तो इसको आपको थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा, तो स्प्रिंग के साथ आएगा तभी ये लॉक निकलेगा। तो चलो फिर मैं इसको स्टेयरिंग की ये बोल्ट खोल के फिर स्टेयरिंग को बाहर निकाल के एयरबैग निकाल चुका हूँ, बाकी ये सब खोलता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो 21 का बॉक्स था, और ये जो अर्थिंग देख रहे हैं ये खोलना पड़ेगा, ये खोलने के बाद स्टेयरिंग बाहर आ गया, जो पोजीशन में खोले थे उसको वही पोजीशन में रखने का, स्टार्ट करके रखा हूँ और स्टेयरिंग लॉक है अपना। और उसके बाद ये वाला ऊपर का खोलेंगे, इसमें एक सॉकेट रहती है, यहाँ लगी रहती है, तो इसको खोल देने का और इसको खींचेंगे तो ईजीली निकल जाएगा। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो हेलो गाइस, मेरा रीज़न ये है कि ये सब चीज़ें आपको दिखाना, कि यहाँ की सऊदी अरब की कार कैसी रहती है और किस टाइप की रहती है, क्या क्या फॉल्ट आता है, ये सब चीज़ें मेरा मेन रीज़न यही है। तो चलो फिर ये सब फिर खोलता हूँ ये पूरा बॉक्स, तो फिर आगे आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये भी खोल दिया हूँ, ये खोलने के बाद ये दो स्क्रू रहेगा, एक दो, ये दो स्क्रू खोलेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, और ये पीछे 10 नंबर दिया हुआ रहता है ये खोलने के बाद। और ये जो रिंग को जो देख रहे हैं क्लॉक रिंग, इसको लॉक कर दे, स्टेयरिंग सीधी पोजीशन में रख करके इसको लॉक करके फिर निकाल इसको, तो ये निकाल दिया हूँ मैं। तो अब चलो कंट्रोल पैनल और ये डिजिटल टेप निकालूँगा और मीटर निकालूँगा, ये साइड का पैनल, ये साइड का पैनल निकाल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सब खोलने के बाद इसको आप आगे खींचेंगे ये वाला फाइबर को, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं टेप में दो स्क्रू दिया हुआ है, एक इधर, ये खोलेंगे टेप बाहर आ जाएगा। मीटर में चार स्क्रू है, दो तीन चार, ये खुल जाएगा। उसके बाद ये वाला निकलेगा, उसके बाद ही कंट्रोल पैनल निकलेगा। तो चलो ये सब कुछ निकालता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख रहे हैं ये मीटर भी खोल दिया हूँ, ये टेप निकला अपना, और ये वाला जो कवर है ये वाला भी निकल जाता है खींच के, सिर्फ एक स्क्रू दिया हुआ रहेगा और एक सर्किट रहेगी इसमें, बाकी ये सब खुल गया। उसके बाद जो करके है कंट्रोल पैनल निकलेगा अपना। तो चलो फिर ये सब का साइड का पैनल भी खोल दिया हूँ मैं, अब उस साइड का पैनल खोल के और जो स्क्रू है वो सब निकाल के डैशबोर्ड बाहर लेकर के फिर आपको आगे दिखाता हूँ मैं। तो अपना कंट्रोल पैनल भी निकल चुका, ये आगे से ही निकलता है, मैं गलती से बोल दिया था अंदर से बाद में निकलेगा, ये पहले भी निकाल सकते हैं आप इसको, इसको ड्रॉअर से खींचेंगे, माइनस ड्रॉअर से कटाएंगे ये निकल जाएगा। तो बस इसमें तीन केबल लगी रहती है, आउटसाइड ईयर, डायरेक्शन मोड और हीटर का। तो चलो ये सब निकाल के फाइनली डैशबोर्ड बाहर निकाल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड खोल के निकाल दिया हूँ, इसको बाहर रख दिया हूँ, ये रही जूनी वाली डैशबोर्ड, ये
और नया डैशबोर्ड ये रहा इसका, ओपन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रही न्यू डैशबोर्ड। तो चलो फिर मैं इसमें ये एयरबैग फिटिंग कर देता हूँ, यानी पैसेंजर वाला एयरबैग, नया एयरबैग है। कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये रही। तो चलो फिर इसको मैं इसके ब्रैकेट में फिटिंग करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं ये नए वाले में, तो देख पा रहे हैं इसमें फ्रंट वाले में कि ये जो फ्रंट वाला मोड का ये दिया है, इसमें ग्लास में जो एयर आती है, और इसमें दिया हुआ है, लेकिन बट ये वाला लेग मोड वाला फ्रंट मोड वाला नहीं दिया है। तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, इसका उसमें डालना पड़ेगा। तो चलो फिर डालता हूँ और ये एयरबैग इसमें फिटिंग करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसका सब खोल लिया हूँ, अब ये सब पार्ट जो है देख पा रहे हैं सब खोल लिया हूँ। अब इसमें मेरे को सबसे पहले एयरबैग फिट करना है। तो एयरबैग फिट करने के लिए ये एयरबैग ऐसा बैठेगा, तो इसको मैं बैठा लेता हूँ इसके इसमें, और उसके बाद फिर आगे आपको ये सब फिटिंग करके फाइनली एक बार मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली न्यू डैशबोर्ड में सब लग गया अपना, फिट हो गया। तो चलो फिर इसको गाड़ी में फिटिंग कर देते हैं, यूनी वाली ये है। तो चलो गाड़ी में फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली न्यू डैशबोर्ड फिट हो चुका, सब एयरबैग वगैरह लगा दिया हूँ, बाकी सब ये सब मीटर वगैरह टेप वगैरह सब फिटिंग करना बाकी है। तो चलो ये सब कुछ फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइज़, मेरा रीज़न यही है कि यहाँ की गाड़ियों यानी सऊदी अरब की गाड़ियाँ भी आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल में, कि कौन सी कैसी गाड़ी रहती है और क्या फिट रहता है। तो चलो फिर ये सब कुछ फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सब फिट हो गया अपना, देख पा रहे हैं आप। तो चलो अब ड्राइवर साइड का एयरबैग लगा देता हूँ, ये रही नया एयरबैग। खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये रही नया एयरबैग। तो चलो फिर इसको मैं फिट करता हूँ, और फिटिंग करने के बाद फिर आगे दिखाता हूँ। और इसमें और दो चीज़ मेरे को चेंज करना पड़ेगा एयरबैग सिस्टम का, एक कि ये जो देख पा रहे हैं सीट बेल्ट लॉक हो चुका है, सीट बेल्ट, ये एयरबैग जब भी फूटता है तो ये सीट बेल्ट, जो जो एयरबैग फूटेगा उस साइड का सीट बेल्ट लॉक हो जाती है, तो ये सीट बेल्ट को रिप्लेस करना रहता है। तो ये सीट बेल्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला, ये पूरा गया हुआ है, ये सीट बेल्ट ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों सीट बेल्ट चेंज करना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं सीट बेल्ट वगैरह सब चेंज करके और एयरबैग फ्रंट एयरबैग यानी पैसे ड्राइवर साइड का एयरबैग चेंज फिटिंग करके फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी सब फिट हो चुका है, तो चलो फिर आगे दिखाता हूँ आपको। डैशबोर्ड भी अपना पूरा फिट हो गया, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड जो डलवाया है तो बिल्कुल ओरिजिनल डैशबोर्ड है और प्रॉपर फिट हो गया सब। तो चलो फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का सीट बेल्ट निकाल दिया हूँ, ये यहाँ रहेगी 14 नंबर, यहाँ रहेगी 10 नंबर और यहाँ रहेगी 14 नंबर, फिर नीचे रहेगा 14 नंबर, जो कि ये जूनी वाली है लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का नया वाला ये रही सीट बेल्ट, ये ऐसे बैठेगा, तो चलो इसको मैं फिट कर देता हूँ, फिट करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली नया सीट बेल्ट अपना इंस्टॉल हो चुका लेफ्ट हैंड साइड का। तो चलो अब फिर राइट हैंड साइड का मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली राइट हैंड साइड का भी खोल दिया हूँ, अब ये रही जूनी वाली सीट बेल्ट और ये रही नई वाली सीट बेल्ट, इसमें एक सॉकेट लगती है वाली सॉकेट, दोनों साइड लगता है, तो उस साइड में दिखाया नहीं था आपको। तो चलो फिर इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ नया वाला सीट बेल्ट, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली राइट साइड का भी सीट बेल्ट
चेंज हो गया, प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलो फिर आगे मेरे को और एक मॉड्यूल चेंज करने का है और सेंसर चेंज करने का है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली सब तो सीट बेल्ट वगैरह चेंज हो गया, ये वाला सीट बेल्ट चेंज हो गया, सब हो गया दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट का। लेकिन बट अपने को ये मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा, एयरबैग की जो मॉड्यूल है ये वाला, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाली जो मॉड्यूल है ये रिप्लेस करना पड़ेगा। ये यहाँ रहती है क्योंकि कंपनी का कहना है कि एयरबैग सिस्टम जो है ये आदमियों की जो है जान बचाने का एक साधन रहता है, तो इस वजह से सेफ्टी रिलेटेड चीज़ को अपन सब यानी एयरबैग का जो टोटली जो चीज़ भी आता है सबको चेंज करना पड़ा। और ये जो रिंग रहती है यहाँ की, वो रिंग भी चेंज करना पड़ा। ये वाला दिखा देता हूँ, ये वाला, ये ख़राब तो नहीं हुआ है लेकिन कंपनी का कहना है कि सेफ्टी रिलेटेड चीज़ जितनी भी है सबको चेंज कर डालो, तो इसके वजह से मॉड्यूल को चेंज करना पड़ रहा है। तो चलो ये सब मॉड्यूल चेंज करके फिर आगे, और एक सेंसर रहता है आगे, एबीएस सेंसर, सॉरी एबीएस बोल रहा हूँ, एयरबैग सेंसर जो आगे रहती है, ये वाली सेंसर। तो एयरबैग कभी भी फूटता है तो इतनी सारी सब कुछ, सीट बेल्ट, जो जो एयरबैग फूटता है वो, मॉड्यूल, सेंसर, ये क्लॉक स्पीडिंग रिंग, ये सब चेंज करना रहता है। तो चलो फिर मैं आशा करता हूँ यहाँ तक के ये सब चीज़ में रिप्लेस करके अपना एयरबैग सिस्टम सब सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया। तो मेरा रीज़न यही है कि यहाँ के कार यानी सऊदी अरब के कार के जितने भी कार का वीडियो बना पाऊँ, जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।